हेलो दोस्त, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जॉब के बारे में। जैसे हम सबको मालूम है कि ये 2020 जो था बहुत बुरी टाइम गया सब किसी का। इस 2020 में बहुत सारे लोग हैं जो जॉबलेस हो गए, जिसके पास जॉब भी था लेकिन कोरोना के वजह से जॉब से निकाल दिया गया, वो लोग की काम नहीं है। और अभी भी ये 2021 जो आ रहा है दो दिन चार दिन के बाद, वो भी एक ऐसा टाइम आ रहा है। अब ऊपर वाला ही जाने कि कैसा टाइम आएगा वो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोरोना को अपडेट कर दिया गया है फिर कि 2021 भी बस ऐसे ही जाएगा, लॉकडाउन कोरोना वैक्सीन वगैरह के चक्कर में। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे हैं कि कहीं भी जॉब मिल जाए, पैसा नहीं है। जाहिर सी बात है, एक साल आदमी कैसे टाइम गुजारा अपना। तो चलते हैं, इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि जॉब ले रहे हैं कहीं भी, कोई भी कंपनी जॉब दे रही है या कोई भी ऑफिस वाले के पास आप जा रहे हैं या किसी एजेंट के पास जा रहे हैं, तो बी सतर्क रहें, आप बी केयरफुल रहें। इसलिए क्योंकि आज के ज़माना जो है ना, आज का जो टाइम चल रहा है कि जॉब के नाम पे आपसे जो भी पैसा आपके पॉकेट में है वो ले लिया जाता है। ऑफ़र लेटर देंगे वो भी फेंक, वीज़ा देंगे वो भी फेंक, यहाँ के तक कि आपको टिकट भी फेंक दे दिया जाता है। अगर आप थोड़ा सा एक्टिव नहीं है इंटरनेट फील्ड में, तो आपको पैसा लूट लिया जाएगा आपका पैसा। यहाँ ये लोग अभी कर रहे हैं, बहुत ऐसे चोर हैं, बहुत ऐसे एजेंट हैं, बहुत ऐसा ऑफिस भी है कि आपको फेंक वीज़ा फेंक ऑफ़र लेटर दे करके आपसे पैसा ले लिया जाता है। तो चलते हैं, एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को एक अपना वीज़ा और एक ऑफ़र लेटर मेरे पास सेंड किए कि ये चेक करो कि ये फेंक है या मतलब फेंक नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने पैसा दिया है या नहीं दिया है, तो उन्होंने बोला मैंने कुछ पैसा दिया एजेंट को और मेरे को वीज़ा दे दिया, ऑफ़र लेटर बहुत पहले मेरे को दिया था। तो मैंने बोला ऑफ़र लेटर पहले मेरे के पास भेज। तो ऑफ़र लेटर मैंने देखा और मैं अभी आपको मैं ऑफ़र लेटर दिखाऊंगा और ऑफ़र लेटर को कैसे जांच किया जाता है, आपको कैसे ऑफ़र लेटर को जाने कि ऑफ़र लेटर जो है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, तो मैं आपको अच्छी तरह से मैं सब बता रहा हूं। तो चलते हैं, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरह से बताते हैं कि फेक ऑफ़र लेटर को कैसे पहचाने। तो दोस्त, अभी मेरे पास एक मोबाइल है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे पास एक मोबाइल है और इस मोबाइल में मैंने सेंड किया था, अभी मैं आपको दिखाऊँगा, व्हाट्सएप पर आया था ये। तो ये देख सकते हैं, ये ऑफ़र लेटर जो अभी मेरे पास आया ये, और बंदा बोल रहे हैं कि थोड़ा चेक करके मेरे को बताओ कि ऑफ़र लेटर सही है या नहीं है। ये ऑफ़र लेटर बनाया गया है जो ट्रिपल सी कंपनी है, 3CC जिसे बोलते हैं, वो कंपनी के नाम पे ऑफ़र लेटर बना हुआ है और यहाँ पे स्टाम्प वगैरह एवरीथिंग आप लोग आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर के लिए ऑफ़र लेटर बनाया हुआ है कमलेश कुमार के नाम से, और ये 200 KD सैलरी भी लगाया गया है वाकई में। उसके बाद इनको वीज़ा भी मिला है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वीज़ा भी मिला हुआ है कमलेश कुमार के नाम से। और ये भी ये मेरे पास आया और मैं सोचा कि आपको मैं चेक करके बताऊं कि कैसे ये वीज़ा को चेक किया जाता है या ऑफ़र लेटर को चेक किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ऑफ़र लेटर जो है ना, तो सबसे आसान है आज के ज़माने में कि ये QR कोड है। अब QR कोड के माध्यम से भी स्कैन करके आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि ये आपका ऑफ़र लेटर ओरिजिनल है या फेंक है। और दूसरी बात कि ये QR कोड पर ही मत जाना दोस्त, QR कोड भी आजकल फेंक बन जाता है। तो चलते हैं, इस वीडियो को हम आपको अच्छे तरह से बताते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को मैं बोलेगा, आप चलें एक प्ले स्टोर पर जाएं और प्ले स्टोर पर आ जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैं प्ले स्टोर पर आ चुका हूँ। और प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेगा ईशान PDF कन्वर्टर, यहाँ पर आएंगे और आपको करना क्या है, इसको डाउनलोड कर लेना है। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, और अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल लिखेगा, तो आप यहाँ से आसानी से इसे इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से कर लेंगे ओपन, डायरेक्ट यहाँ से जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको देख लेंगे यहाँ पर ऐसे ये ओपन होगा। उसके बाद यहाँ आपको दिखाई देता होगा कि QR बार कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो QR बार कोड जो है तो यहाँ पे जाएंगे आप और इस पर कर देंगे क्लिक, और यहाँ पे QR बार कोड पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है बार कोड, यानी बार कोड जो होता है उसको स्कैन करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है स्कैन QR कोड। तो आपको मोबाइल में जो देखे थे अभी तो वो क्या था, QR कोड था, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं, QR कोड को हम स्कैन करते हैं। अभी
आप देख लें यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पहले नाम देख लें, ये स्कैन हो भी गया, इतना जल्दी स्कैन भी करता, बहुत फास्ट स्कैन होता है। तो चलते हैं, ये QR कोड को पहले नहीं दिखाएं, आपको पहले नाम देखे अच्छे से, ये देख ले कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कमलेश कुमार लिखा हुआ है और सेफ्टी ऑफिसर का दिया हुआ है। अब देखे आप चलते हैं हम QR कोड की तरफ, आप जैसे यहाँ पे QR कोड पे आए, मैंने इसको स्कैन कर लिया, स्कैन करने के बाद यहाँ पे कोई भी नाम दे दे, ABCD कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद इसको ओके करें। जैसे आपने यहाँ पे ओके कीजिएगा तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा है, व्यू पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो व्यू होगा, उसके बाद आपका PDF फाइल में ये ओपन होगा। तो PDF पे जाकर जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं इसको ये खुल चुका है, और यहाँ पे खुला हुआ है दूसरा नाम सदारुद्दीन मियाँ करके, पासपोर्ट नंबर ये है, इंस्ट्रूमेंट फीटर का 240 KD इसका सैलरी लगा हुआ है। आप लोग अब देख सकते हैं कि QR कोड मैंने अभी स्कैन किया था, किसी दूसरे आदमी का नाम आ रहा है और यहाँ पे जो कमलेश कुमार लिखा हुआ है। तो अभी आपने देखा, और आपको मैं फिर दिखा रहा हूँ कि आप लोग आसानी से देख सकते हैं, आप लोग देखें ये कि जो अभी नाम है कमलेश कुमार है और मैंने QR कोड जिसे स्कैन किया तो वो सरफुद्दीन करके एक नाम आ रहा है उनका है। आप लोग देख सकते हैं कितने फेक बना हुआ है। और जहाँ तक ये वीज़ा की बात है, अभी मैं एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि वीज़ा कैसे चेक किया जाता है कुवैत का। अगर आपके पास दुबई का वीज़ा हो, जैसे वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के में जाकर देखेंगे, तो मैंने दुबई का विजिट वीज़ा कैसे चेक किया जाता है और वीज़ा कैसे चेक किया जाता है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, उस पर आप जा करके अपना चेक कर सकते हैं। लेकिन भाई फिर मैं बोल रहा हूँ, बी सतर्क रहे, बी केयरफुल रहे, क्योंकि बहुत सारे फेक काम हो रहा है। आपने इस वीडियो में देखा दोस्त कि कितनी आसानी से लोगों ने यहाँ पे ऑफर लेटर टाइप करके बना देते हैं, एडिट करके बना देते हैं, लेकिन वो भी जो बनाने वाला भी है बहुत बड़ा चुतिया है, मैं ये भी बोल रहा हूँ बहुत बड़ा चुतिया। अगर यहाँ पे QR कोड पे कोई भी बिंदु मार दिया होता ब्लैक करके, तो QR कोड दिखाई नहीं देता या QR कोड देता ही नहीं। लेकिन अपने लिए अगर लिखा होता है ना कि जब बचना होता है तो किसी भी तरह आदमी बच जाता है। तो चलते हैं दोस्त, इस वीडियो को हम एंड करते हैं, और वीडियो मेरा अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो लाजिम शेयर करें, क्योंकि अगर आपके दोस्त अगर हो सकता है कि आपके दोस्त इस जाल में, इस फेंक काम में फंसना चाहें तो बचें। सही है दोस्त, तो चलते हैं वीडियो को हम बंद करते हैं, थैंक यू।